हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राची स्टडी कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, डेंगू। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, तो डेंगू के आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने ना भूलें। सो हम आ जाते हैं टॉपिक पर। देखिए, डेंगू जो है ये एक मच्छर के द्वारा फैलता है। जो डेंगू का मच्छर होता है बहुत ही खतरनाक होता है और डेंगू फीवर काफ़ी जानलेवा होता है। आजकल प्रेजेंट टाइम में बहुत डेंगू हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेंगू के क्या लक्षण हैं, हमें डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके उपाय क्या हैं बचने के, डाइट प्लान कौन सा फॉलो करें, ये इस वीडियो में आप जानने को पाएंगे। तो ये डेंगू जो होता है, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे होंगे, ये जैसा ये मच्छर बना है सेम यही होता है डेंगू का मच्छर, ठीक है। सो दिन में ये काटता है, बहुत ही साफ़ सफाई से रहने वाला होता है। जो ये डेंगू फीवर होता है, जिसके नाम से ही लोग के अंदर दहशत आ जाती है, ये काफ़ी तेज वाला फीवर होता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, मेन चीज़ इसमें प्लेटलेट्स जो होती है वो घटने लगती है, तो इससे क्या होता है, कभी कभी ब्लड की कमी आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो इसके लिए हमें बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है, आसपास मच्छरों को इकट्ठा नहीं होना है, होने देना है। तो आइए देखते हैं डेंगू के लक्षण, यानी अगर हमें डेंगू हुआ है तो हम कैसे इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपके हेड में पेन होगी, यानी सिरदर्द होगा, जी में चलना होगा, फिर उल्टी जैसी चीज़ें लगेंगी कि उल्टी होगा, वॉमिटिंग की फील होगी, मांसपेशियों हड्डियों में और जोड़ों में बहुत तेज इसमें पेन होता है डेंगू फीवर में, आँखों के पीछे दर्द होता है, मांसपेशियों में सूजन होता है, त्वचा पर लाल चकत्ते होते हैं। कभी कभी आपकी जो पॉटी करते हैं आप लोग, मल त्याग करते हैं, उसमें भी ब्लड आने के चांसेस रहते हैं, साथ ही आपके नोज से भी ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक फीवर है। फिर आ जाते हैं डेंगू से बचने के उपाय, ठीक है। डेंगू से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। नंबर वन पर है, मच्छर भगाने वाली क्रीम को आपको यूज़ करना है। नंबर टू पर, पूरी तरीके से ढकने वाले कपड़े पहनने। नंबर थ्री पर, खिड़की और दरवाज़ों पर जालीदार दरवाज़ों का प्रयोग करना है। फिर सुबह शाम बाहर रहने से बचने की कोशिश कीजिए, आसपास पानी जमा होने ना दें। तो ये थे कुछ टिप्स जिनसे आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं। वैसे साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आगे हम इसी के साथ साथ देखते हैं, अगर डेंगू हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए, या प्लेटलेट्स अगर हमारी घट रही है तो हम कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। तो डेंगू में क्या खाएं, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, सबसे पहले विटामिन सी युक्त फ्रूट्स खाइए, नारियल पानी कम से कम दिन में एक, कम से कम 3 से 4 नारियल पानी पीजिए, पपीते के पत्ता का जो जूस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ाता है, साथ ही पपीते आप खा सकते हैं। ऐसा करके अगर आपको डेंगू हुआ है तभी आप डेंगू से फुर्सत पा सकते हो, ठीक हो सकते हैं। सो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दी। सो प्लीज़ डरिए नहीं, और अगर इन केस हो जाता है डेंगू तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो बी केयरफुल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।